यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं गुरुग्राम में बीते दिनों हुई बूंदाबांदी से धूल भरी जहरीली हवाओं से गुरुग्राम के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि पिछले दिन के मुकाबले आज का AQI कम आंका गया है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जब भी इस जहरीली हवा का पूरा कहर खत्म नहीं हुआ है, हवा में जहरीला प्रदूषण होने से लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसके चलते लोगों को ज्यादा समय तक बाहर न रहने की हिदायत दी गई है। आंख कान नाक से जुड़ी बीमारी से ग्रसित मरीजों को सतर्क रहना चाहिए, साथ ही संक्रमण से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाना चाहिए। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून हरियाणा में 25 जून तक पहुंच सकता है। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही बारिश का असर हरियाणा में भी पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में शायद गुरुग्राम के लोगों को इस जहरीली हवा से छुटकारा मिल जाए।